अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है, खैरियत से है। आज हमारे घर आने वाले हैं कुछ स्पेशल गेस्ट, तो उनके लिए हम रेडी करेंगे अफ्तारी। अभी मैं जाऊंगा और अफ्तारी का सामान लूंगा, तो आपके साथ शेयर करूंगा कि हमें क्या क्या लेना है और घर वापस आके फिर बनाना भी है। टाइम तकरीबन हो गया है, कोई 2 बजने वाले है, अफ्तारी में ऑलमोस्ट कोई 4.5 घंटे रह गए हैं। तो चलते हैं, फ़ौरन सामान लेते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि आज रात हम जाने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल इवेंट पर, तो आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है। उस इवेंट में जो है एक स्टॉल्स लगने हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, डिफरेंट वहाँ पर प्रमोशन वगैरह एक्टिविटीज होती है, तो आपके साथ वो सारा कुछ मैं शेयर करूंगा। चलिए जी, तो हम मार्ट पहुंच गए यहाँ पे और अंदर जाके जल्दी जल्दी से जो भी चीज़ें हमें बताई गई थी वो सारी चीज़ें ले लेते हैं। टाइम हमारे पास कम है और अफ्तारी भी तैयार करनी है, तो चलिए सीधा चलते हैं अंदर और चीज़ें लेके आपको दिखाता हूँ। चले जनाब, तो हम अंदर आ गए यहाँ पे। हम सबसे पहले लेते हैं चीज़ें, सब रोसो की आइटम्स वगैरह देते हैं, जो जो चीज़ें हमने लेनी है। यार सब रोसो के आइटम्स पड़े होंगे कहाँ पड़े हुए? दूसरी लाइन में। ओके जनाब, चले मेरे भाई। जनाब क्या हाल है? सब ठीक ठाक है, शुक्र है। ओके जी, तो यहाँ पे है सब रोज़ों के आइटम्स हम लेने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? सब ठीक ठाक है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। हमें एक ये चाहिए और वो जो नगेट्स वाला है ना, ये भी एक दे दीजिए। ओके थैंक यू। साथ में हमने फ्रूट चाट भी बनानी होगी, तो उसके लिए हम उठा लेते हैं ये फ्रूट एमेंट्स का जो कॉकटेल पड़ा हुआ है, ये उठा लेते हैं। ज़रा फ्रूट चाट का मज़ा भी तो आए ना, सिर्फ केले और सेब से तो मज़ा आना नहीं है, तो ये चीज़ें जब तक उसमें मिक्स नहीं करेंगे वो वाला चस नहीं आ सकता, तो एक ये कर लेते हैं। ओके, यहाँ से हमें चाहिए होंगे ओलिव्स, तो ये उठा लेते हैं। हमें बताया गया था कि मायोनीज भी उठाने हैं यंग्स के, तो ये रहे। अच्छा जी, तो मायोनीज हो गए। तब से आपके भाई ने जो है ना व्लॉगिंग स्टार्ट किया, तो आपका भाई जो है ऑयल जो है अब ये बाकी नहीं यूज़ करता। आपके भाई को चाहिए होता है सिर्फ ऑलिव ऑयल, तो ये ले लेते हैं। खैर से लगता है कुछ पास्ता शास्ता भी बनाना होगा, तो यहाँ से हम अपनी मर्जी का कोई पास्ता उठा लेते हैं। कोई भी उठा लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, चिकन डाल के वैसे भी मज़ा आ ही जाना है। जनाब यहाँ से उठा लेते हैं 1-2 मिल्क क्रीम, क्योंकि जब तक फ्रूट चाट में मिल्क क्रीम ना हो फ्रूट चाट का मज़ा नहीं आता ना। तो चिप्स भी बनाने होंगे, यहाँ से हम ले लेते हैं आलू। साजी आलू किस तरह? 300 रुपये दड़ी। अच्छा जी, और उस्ताद जी हालात वाकत कैसे हैं? रोजे कैसे जा रहे हैं? ईद के लिए तो खुशी है, काम शाम सही चल रहा है। चले जनाब, तो यहाँ से हम ले लेते केले वगैरह। किस तरह है दर्जन उस्ताद जी? 200 रुपये। ऐसा अगले दर्जन कर दे आप जी मेरे भाई। तो यहाँ से ले लेते हम सेब। सेब किस तरह किलो है यार? 300 रुपये। और यार बाहर 50 रुपये किलो है यार, पूरे मुझे 40 के देने। अरे नहीं यार। चले यहाँ से कर दे किलो सेब कर दे, और लीमू भी दे दे यार, आधा किलो कोई लीमू कर दे आप, ठीक है मेरे भाई। अच्छा जी, तो आपका भाई घर वापस पहुंच गया है। बाहर गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो फौरन मैं जाके सबसे पहले शॉवर लेने लगा हूँ कि थोड़ी सी जो अंदर जो गर्माइश है ना वो जरा खत्म हो जाए। भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है आपके भाई को। मेहमान आएंगे तकरीबन, उनमें 1 घंटा अभी भी है, तो 1 घंटा रेस्ट के लिए है। मैं 1 घंटा सो जाता हूँ, तब तक अफ्तारी भी बन जाएगी और जो चीजें बनेगी वो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। और जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि आज एक इवेंट पे आपके भाई ने जाना है, वहां पे डिफरेंट ब्रांड्स के लोग आए हुए होंगे, वहां पे एक बहुत अच्छा इवेंट होने वाला है और डिफरेंट स्टॉल्स लगे होंगे। वहां पे आपका भाई अपने दोस्त से भी मिलेगा, अपने ऑफिस के दोस्त रायान से, उसका भी वहां पे स्टॉल लगा हुआ है, तो देखते हैं कि वहां पे मजा आता है या नहीं। जो भी चीजें वहां पे होंगी, जो भी एक्टिविटी, वो आपके साथ शेयर करूंगा, तो देखते रहिए समिस्तान। Few moments later. ओए भाई साहब क्या अच्छा। पानी भी खत्म हो गया, तो आपका भाई पानी भी लेके आ गया। भाई आज हालत बहुत बुरी है, बहुत बुरी जी। अंदर जाके देख लेते हैं कि क्या क्या बना है क्या नहीं। ये क्या बन रहा है? अच्छा जी, ये देखे पास्ते का सामान रेडी शेडी हो रहा है, ये उसके लिए मैक्रोनी शेकरोनी जो है बॉयल हो रहे, और ये सादो सामान जो भी कुछ है, मतलब अभी सब कुछ जो है तैयारी स्टार्ट है जोरों शोर से। One hour later. तो ले जी पास्ता रेडी हो गया है, फुल जूसी, ओए चिकन से भरा हुआ, बड़ा मजा आने है भाई साहब जी। तो मेहमान हमारे पहुंच आए। अस्सलाम वालेकुम तैमूर भाई, क्या हाल चाल? खैरियत से पहुंचे? सफर सही था? आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सबूर साहब, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? आ जाए खैर। ओके गाइस, तो मेहमान आ गए, सारी चीज़ें भी तकरीबन रेडी है, लेकिन मैं एक चीज़ भूल गया, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लाना तो भूल गया। फातिमा क्या हाल है? फातिमा आप लोग इतना लेट क्यों, पहले ये बताओ, हाँ इतना लेट क्यों हुए हो आप लोग? हम बस थोड़ा सा लेट हो गए थे,
होना होता है, सब में प्यार होना होता है। अच्छा तो आप इतनी तैयार जो है जिमल के लिए हुई थी? हाँ नहीं नहीं अच्छी बात है। चुप, मुझे ये बता दे कि वो अब्दुलरहमान ब्लॉग बना रहे हैं। ओके, और उसका चैनल किस नाम से? द मुगल बॉय के नाम से, फातिमा के भाई का चैनल है। तो आप वो चैनल देख भी ले, उसको सब्सक्राइब भी कर ले और शेयर भी कर ले, और कमेंट सेक्शन में उसको बता भी दे कि उसकी वीडियो कैसी थी, कल उनका पहला ब्लॉग आया था। और अभी जो है फातिमा जो है हमारे साथ बाहर जा रही है, क्योंकि हमें बाहर अभी जाना था और हमें लाना है कोल्ड ड्रिंक्स, ऐसे ही है क्योंकि सारी चीज़ें आ गई और बोतलें हम भूल गए। फातिमा ये बता दे, स्कूल से छुट्टियाँ हो गई है? जी हमें स्कूल से छुट्टियाँ होगी, लेकिन हमारी टेस्ट चल रही है जिसकी वजह से ना, तो मंडे को हम जाना। थोड़ा इधर हो जाए फातिमा। अच्छा, अच्छा जी, ईद के बाद पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो पेपर्स की तैयारी है? हाँ जी। लास्ट टाइम कौन सा पोजीशन लिया था? मैंने लिया था सर। तो मैं फातिमा को कह देता हूँ कि अगर इन्होंने इस दफा फर्स्ट पोजीशन लिया तो मैं इनको 1000 रुपीज मिला दूंगा। हाँ जी, मैं तुम्हें ठीक है। तो इस दफा आपने जो है फर्स्ट लाजमी आना है। मनी मिले। बहुत तेज हो रहा है। मनी मनी ठीक है ठीक है। तो बस गाइज, अब हम मार्केट पहुंचने वाले, वहां से हम जल्दी जल्दी ले लेते हैं कोल्ड ड्रिंक्स और फिर हमने घर वापस आना है, क्योंकि सारा कुछ रेडी हो गया है और अफ्तारी का टाइम भी बस होने वाला है। तो चले जल्दी चलते, कोल्ड ड्रिंक्स पकड़ते और फिर घर भी वापस आना है। तो जनाब हम बाहर आ गए हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेने के लिए, और आप देख सकते हैं कि बाहर रश लगा हुआ है। अच्छा जी फातिमा, एक ये ले लेते हैं नेक्स्ट कोला, और एक आपके पास स्प्राइट है, ठीक है? तो चले, आइसक्रीम लेना है कोई? ले लेते हैं। आपने कुछ और लेना है, लेस वगैरह? नहीं। चलो आइसक्रीम में उठा लेते हैं यहाँ से, फैमिली पैक ही ले लेते हैं, ठीक है? क्योंकि सब खा लेंगे ना। लेते हैं कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर उठा लेते हैं, ये वाला तो मेरे ख्याल में पहले से किसी ने खाया हुआ है। इसको छोड़ देते तो ये ले लेते, और एक से काम चल जाएगा, यानी ये भी एक उठा लेते, दो आइसक्रीम ले लेते और चलते। तो जनाब हमने कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम ले लिए, और अफ्तारी में बस मुश्किल से कोई 6 से 7 मिनट रह गए। फातिमा जी, 6 to 7 मिनट्स है, टाइम हमारे पास कम है। ये बताए कि आपको भूख लगी है या नहीं, पहले तो ये बताए आपका रोज़ा है? छोटा वाला रोज़ा है, चुड़ी रोज़ा? अच्छा जी, मुझे जनाब भूख बहुत लगी हुई है और प्यास भी बहुत लगी हुई है। मेरे ख्याल में मैं तो जाते साथ ही, जैसे ही आसान होगी, मैं तो पहला काम करूंगा कि या तो पानी या जूस या कोल्ड ड्रिंक। बस से घर पहुंचने लगे हम, ऊपर आपको दिखाते हैं कि अफ्तारी में बना क्या क्या है, और उसके बाद अफ्तारी के बाद ही हम गप्पे लगाएंगे ना। तो ये देख ले, मैं आपको दिखा दूं कि अफ्तारी में क्या क्या है। ओए होए, अफगानी रैप्स, और ये ओनियन के पकौड़े, ये नगेट्स, फ्राइज, पास्ता शास्ता। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ। ये हमारा जूस, ऑरेंज जूस, और ये जनाब फ्रूट चाट भी बना हुआ है। अच्छा जी जनाब, तो बस अफ्तार में 1 मिनट है, दुआ वगैरह कर लेते, माशाल्लाह। One eternity later. Assalamu alaikum guys, welcome back. तो अफ्तारी वगैरह हो गई, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि आज मैं जा रहा हूँ एक बहुत स्पेशल इवेंट में। तो ये है पोलो ग्राउंड, रेस कोर्स वाला जो पार्क है उसके बिल्कुल बैक साइड पे जो पोलो ग्राउंड है जैन रोड पे, वहाँ पे ये इवेंट हो रहा है मैशन बाजार के नाम से। बेसिकली फैशन जब सर से चढ़ जाए तो वो मैशन हो जाता है। अब यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए, बहुत ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके से डिफरेंट ब्रांड्स ने यहाँ पे अपने स्टॉल्स लगाए हुए, और मुझे बड़े बेदर्दी से तलाश है कि मैं कुकी आंटी वाले जो स्टॉल है ना उसको देख सकूँ, क्योंकि वो रायान का है, मेरे दोस्त का। तो चले देखते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ क्लिम्स। यार रायान को ढूंढना तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है, जितने स्टॉल्स लगे मुझे नहीं लग रहा कि आज एक रात में मैं सारे स्टॉल्स देख सकूंगा, लेकिन लेट्स सी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दूर दूर से देख लूँ और कहीं किसी तरीके से मुझे रायान का स्टॉल नजर आ जाए। फाइनली मुझे कुकी आंटी का स्टॉल नजर आ गया। हो रहा जी कुकी आंटी का स्टॉल, अभी चलते हैं और देखते हैं अपने दोस्त को
क्या सीन है, बल्कि सरप्राइज देता हूँ, सरप्राइज देता हूँ मैं आंटी को। कुकी आंटी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अभी मजा आएगा ना। कैसे हो? कैसे हो मेरे भाई? बहुत जबरदस्त यार, मैं लेट नहीं हूँ इतना ही कि पार्किंग, मैं पार्किंग वालों को जीता रहा, मैंने जाना भाई, मेरा अपना स्टॉल है, कुकी आंटी मुझे जाने दो, मैंने लेना, मैंने लेना। क्या हाल चाल है यार, सब ठीक ठाक? बताओ यार कुछ इस ब्रांड के बारे में बताओ। ओके, मेरे लिए कुछ नहीं बचा, एक ही फ्लेवर है यार। मैं ओके, मैं बिल्कुल ट्राई करना चाहूंगा। अच्छा, ये वो कुकी आंटी है? आप पूरे केपी के में मशहूर है। ओके रायान, मेरा भाई मुझे आज आपने, ओके, मैं असल में ना आज आया हूँ अपने भाई के स्टॉल पे। ओके, तो मैं कोशिश करूंगा कि पेमेंट बाय कार्ड कर लूँ। बड़े लोग हैं ना, तो बड़े तरीके से, ठीक है? ओके चल यार, आप मुझे ना खिला दो, मैं अपना कार्ड देता हूँ आपको, और आप जो है मेरे भाई, मेरे भाई आप जो है। अच्छा रेट तो बता, रेट तो बता यार, 250 से लेके 500 तक है हमारे। ओके, यार मतलब मैं लेट हुआ हूँ, जो आपका बेस्ट है वही ट्राई करना। लेकिन यार नाइस यार, आपको चालाकी भी है मतलब। और ब्रो बिल्कुल बिल्कुल, जब आपने फारिग होना है आपने मुझे बताना है, तो लेकिन आपको बताना जरूर है। तो फाइनली जो मैंने आपको कहा था इंटर होते शादी के, मुझे कुकी आंटी के स्टॉल पे लाजमी जाना है, और मैं फाइनली आ गया। और फाइनली मतलब कोई दो महीनों से मैं इसके बारे में सुन रहा हूँ, और मैं आज ट्राई करने लगा हूँ। ओके मिलते, थैंक यू सो मच। तो मैं गाइस ट्राई करता हूँ इसको। ओके ओके ओके, ये ट्राई कर लेते। बाकी बहुत टेस्टी है और बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार, तो हाईली रिकमेंडेड है। हाँ मैं ये कहूँगा कि बाकी फ्लेवर्स मैंने ट्राई नहीं किए, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ओके गाइस, तो ये है सेफ फ्रेगनेंस के नाम से। चलिए गाइस पूछते हैं इनसे कि ये किसके मुतालिक है। और हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल ब्रांड के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? जी, बेस्ड इन पाकिस्तान ब्रांड है। ओके, हमारी फ्रेगरेंसेस यूरी से बहुत होती हैं, बॉटल और पैकेज जहाँ पे होती हैं। 7 फ्रेगरेंसेस हैं हमारे पास, दो साइज हैं, 50 ml और 5 ml। ओके ओके, सारी सेंट्स जो तो है, कुछ मुझे आपके जो बॉटल्स के डिजाइन है वो दिखा सकते हैं आप? ये हमारे बॉक्सेस डिस्प्ले हुए हैं। ओके, नाइस। अच्छा प्रोनाउंस कैसे करते हैं आप इस ब्रांड को? से स्टैंड्स फॉर, मतलब ये हमारा नाम है, जो दो पार्टनर्स हैं हम, उनका फर्स्ट टू लेटर्स और मेरे लास्ट टू। ओके, इंस्टाग्राम पे पेज है आपको कुछ? पेज है, ये हमारा बिजनेस कार्ड है। ओके, ये दूसरी पैकेजिंग है 5 ml वर्थ। नाइस नाइस नाइस, मुझे कोई आप ट्राई करवाएंगे? जी जी, किस तरह की वैकेंसीज पसंद है आपको? मुझे लाइट से चाहिए, लाइट से ज्यादा ऊपर का ही देखिए। तो आपका कोई आउटलेट अभी है या नहीं? अभी कोई ऑनलाइन ही आपका चल रहा है? अगर कोई ऑर्डर करना चाहे तो वो ऑनलाइन ही कर सकता है। ओके, इरादा है कोई आउटलेट का? इरादा है? ओके, तो मैं लेता हूँ आपका ये कार्ड और मैं लाजमी अपने स्टोरी में डालूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। मुझे तो इनके फ्रेगनेंस अच्छे लगे, काफ़ी लाइट है और लास्टिंग का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि भाई लास्टिंग तो आप अगर पाकिस्तान में रहते हुए 40,000 का भी परफ्यूम ले लो तो उसका आप कुछ नहीं कह सकते कि वो कितने देर लास्ट करेगा। तो लेट्स सी, अभी
ट्राई किए परफ्यूम इनका, अभी जो है इंस्टाग्राम का पेज, इंस्टाग्राम पे है इनका पेज से के नाम से, तो वो कह रहे कि हमारे कोई दो पार्टनर थे उसकी वजह से हमने जो है यही नाम रखा है, और अभी हम जो है कोई फिजिकल इनका आउटलेट नहीं है, अभी सिर्फ यह इंस्टा पे है। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो रेट्स इनके बहुत कम है, मुनासिब है, और परफ्यूम की जो बॉटल की क्वांटिटी है वो आपको अच्छी मिल जाती है, तो आप ट्राई कर सकते हो। बहुत मजे मजे के स्टॉल्स लगे हुए, और जिस तरह के मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई ईद दो दिन बाद नहीं, लाहौर में ईद आज ही है, 7th डेट से लेके 8th डेट तक है। आज का दिन अगर किसी से मिस हो गए तो काइंडली कल वाला दिन आप लोग मिस ना कीजिएगा। सबको एडवांस में यहाँ पे कह देता हूँ भाइयो, ईद मुबारक हो, ईद मुबारक। यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल ईद वाला सीन लग रहा है, मेला लगा हुआ है, मेला आप देख सकते हो, और मेरे सारे दोस्त सोए हुए होंगे भाइयो, कोई तो आ जाता है, इतने दोस्तों को मैंने कॉल की थी, लेकिन सारे के सारे फिर खैरी के लिए नहीं उठ सकेंगे, सबका यही कहना था। तो भाइयो सोते रहो, इतना मजे का इवेंट आप लोगों ने मिस कर दिया, आप देख सकते हो भाई। तो आपके भाई को लगी थी प्यार, ओके, तो ये हमारा वाला बन रहा है यहाँ पे। प्राइस क्या है यार, सी है कितने का लगी? ये है भाई टैलेंट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, कैसी हैं आप? कुछ बता दें हमें इस ब्रांड के बारे में, ये जो आपने लिखा है यहाँ पे, ये बड़ा अट्रैक्ट किया हमें, वुमेन एम्पावर वुमेन। एक्चुअली इट्स अ वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट। ओके, अच्छा मतलब आप ट्रेनिंग भी देते हैं उनको? So the system is online or what? We are selling online and we also sell on different forums. Okay, cool. तो है किस नाम से? Crafts by Misal. Crafts by Misal. Okay. Instagram पे भी इसी नाम से पेज है। Guys आप देख सकते हैं बहुत अच्छा इन्होंने एक पोस्ट स्टार्ट किया हुआ सेटअप, आप इनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और बेसिकली इनका एक अच्छा जो मुझे लगा वो ये है कि ये इंस्टाग्राम पे भी जो है वो टीचिंग वगैरह भी दे देते हैं। और ये ले, सॉरी ये हमने ले लिया क्राफ्ट बाय मिसल। इस ब्रांड के मुताबिक कुछ बता दीजिए मुझे। This is Pakistan's first healthy snack brand. This is Pakistan's first healthy snack brand. Okay. Baked product है, there's no potatoes in them. Multigrains है, high cool. fiber है, high protein है, cool. gluten free है. तो बाकियों से differ कैसे करता है ये? ये health factor पे. ये okay. हमारे अपने unique हैं. ये ऐसा product दुनिया में आपको कहीं नहीं नजर आएगा. अच्छा अच्छा अच्छा. और ये मतलब आपने launch किया है? ये हमने launch किया, हमारी अपनी factory है जिधर हम ये produce करते हैं. ओके, तो मुझे बता दें कि ये इलस्ट्रेशन के बारे में आपका ख्याल कैसे आया, मतलब ये आपकी कोई टीम है यानी आपकी अपनी थिंकिंग थी इसके पीछे? पार्टनर्स हैं हमारी, एजेंसी पार्टनर्स हैं। ओके, ये सारी आइडिएशन, ये सारा कॉन्सेप्ट था, तो इसका कॉन्सेप्ट ये था कि ये नॉर्म्स की एक दुनिया है। ओके, यूनिवर्स है स्नैक्स का। ओके, हमारे यहाँ पे देखिए नॉर्म्स के कैरेक्टर्स अपनी फैक्ट्री में हमारे नॉर्म्स नाचोस बना रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, आइडिया बिहाइंड आवर ब्रांड नॉर्म्स के, इस यूनिवर्स के अंदर सिर्फ नाचोस नहीं है, और भी चीजें आएंगी। नाम बड़ा कूल आपने चूज किया, तो हम मिलेंगे इंस्टाग्राम पे
और आई एम श्योर कि आगे आप ये काफी जाएगा। और मेरे भाइयों मैं आपको ये भी बताता चलूं कि यहाँ पे काफी डिफरेंट इलाकों से लोग आए हुए हैं, मतलब मैंने काफी ऐसे लोग देखे जो कि स्कर्दू के लोग भी आए हुए हैं, उन्होंने भी यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए हैं। मैंने चतराल के लोग भी देखे जिन्होंने यहाँ पे अपने स्टॉल लगाए हुए हैं, लाहौर के तो है ही है। काफी मुझे अच्छा जो लगा ना वो ये लगा कि बड़े स्टूडेंट्स ऐसे जो है ना वो इमर्ज होके आ रहे हैं, काफी स्टूडेंट्स के अपने ब्रांड्स हैं, तो वो ये एक अच्छी बात है हमारे पाकिस्तान। तो आपने देखा कि ये इवेंट किस तरीके से इन्होंने सजाया हुआ है, काफी स्टॉल्स लगे हुए, काफी डिफरेंट कंपनीज है, काफी टाइप्स की कंपनीज है। मैंने यहाँ पे क्राफ्ट वाले भी देखे, मैंने यहाँ पे फूड स्टॉल्स भी देखा, मैंने यहाँ ये भी देखा कि जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं उन्होंने बाकी ब्रांड्स के साथ कोलेबोरेशन की हुई है। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है एक ही दिन में सारा कुछ कवर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन ब्रांड्स की इतनी खूबसूरती है ना कि अगर आप इनको कवर करने लग जाओ तो एक दिन एक ही ब्रांड्स को कवर करने में लग जाता है। और स्टॉल्स बहुत मज़े के नाम पड़े मुझे, ऐसे लगे कि जैसे कि स्टार्टअप भी मुझे सारे लगे, और ब्रेकआउट और आउटफिटर से बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब मैंने काफ़ी ऐसे नाम देखे कि जो शूज़ के लिए इन्होंने रखा है जूती, जो कुछ कुकीज़ के मैंने ब्रांड्स देखे तो वो रायान का ब्रांड होता है कुकी आंटी है, गोल भी मेरे सामने से गुजरा, उन्होंने रखा था बिस्कुट। तो नाम बड़े इन्होंने यूनिक वगैरह रखे हुए। और ये मैं फिर एक दफ़ा बता देता हूँ आपको कि ये गोल्फ क्लब में है यहाँ पे ये इवेंट मैशन बाज़ार के नाम से, जो कि रेस कोर्स पार्क में है। तो आप कल भी यहाँ पे आ सकते हैं, पूरा ये इवेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। बेसिकली दो दिनों का इवेंट था, 7 और 8 डेट का। मैं तो आया हूँ 7वीं तारीख को, क्योंकि कल मैंने निकलना है पिशावर का। भाई काफ़ी घूमा है यहाँ पे, काफ़ी चीज़ें मैंने देखी है, और बड़ा अच्छा इवेंट है, मुझे अच्छा लगा। मैं आप लोगों से यही कहूँगा, जितने मेरे दोस्त हैं, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं और वो लाहौर से हैं, ऑब्वियसली आउट ऑफ सिटी जितने दोस्त हैं मेरे वो तो आ नहीं सकेंगे, लेकिन जो लाहौर में है उनको चाहिए कि वो कल ये इवेंट लाजमी आके देखें। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स मिलेंगे जो इमर्जिंग ब्रांड्स हैं यहाँ पे, तो काफ़ी कुछ आप यहाँ पे खरीद भी सकते हैं। बेसिकली ईद की शॉपिंग नहीं चल रही है यहाँ पे, यहाँ ईद है भाई, सब ने कह दिया यहाँ पे, ये प्रूफ कर दिया इन्होंने कि आज इनकी ईद है, तो यहाँ पे आप ईद की शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स है, उन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगाए ही इसी मकसद से है कि वो अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे सेल कर सके, उनकी प्रमोशन वगैरह यहाँ पे कर सके। तो मैं अभी चलता हूँ यहाँ से सीधा, कल मैंने जाना है पिशावर भी, तो काफ़ी लेट हो गया, तो मुझे निकलना भी होगा। तो गाइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कमेंट सेक्शन में ये भी बता दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। और मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपने भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।